अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत कक्षा 11वीं में अध्याय 1 जो है वह परिचय है, जो कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बारे में था। उस दिन भी हमने पढ़ा था विनिमय और उत्पादन वितरण के बारे में, हमने उस दिन देखा था। अब हम देखेंगे सांख्यिकी क्या है या सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी का संबंध जो है आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण से है। मतलब आंकड़ों को एकत्र करना, प्रस्तुत करना और उसका विश्लेषण करना, मतलब विस्तार से समझाना। फिर सांख्यिकी के विषय में जो विषय सामग्री है, मतलब कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो आवश्यक पड़ती हैं। तो सबसे पहले विवरणात्मक सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विवरणात्मक सांख्यिकी क्या है। इसके अंतर्गत हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का, अपकिरण का, सहसंबंध के जो माप होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, अंतर्गत प्रतिशत देश के, मतलब जो है के आधार पर पूरी जनसंख्या और का संबंध में हम निष्कर्ष निकालते हैं। फिर हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, हम इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, जो संख्यात्मक तथ्य हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, जो संख्यात्मक रूप से हम जो एकत्रित करते हैं। फिर है केवल समूहों का अध्ययन। इसके अंतर्गत केवल हम समूह में अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक परिवार हो गया, एक समूह हो गया या फिर एक समाज हो गया, हम इस तरह से हम समूह में ही अध्ययन करते हैं, या फिर एक कक्षा ले लिया, इस तरह से हम समूह में अध्ययन करते हैं। फिर समरूपता की कसौटी। अब समरूपता की कसौटी में क्या होता है, जैसे हम एक क्लास लेंगे तो उसमें समरूपता तो नहीं होगी, क्योंकि एज देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इस तरह से समरूपता भी उसमें पाई जाती है। फिर परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। औसतन मतलब औसतन, जब हम टोटल करके उसमें संख्या का भाग देंगे जितने हैं, तो औसत जो हम निकालते हैं वही सत्य होते हैं। फिर बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत होते हैं। बिना संदर्भ के मतलब उसकी जानकारी हमें पूरा प्राप्त करना आवश्यक है, यदि हम उसको प्राप्त कर लेंगे, उस पर निष्कर्ष निकाल लेंगे, तभी हम उसे पा सकते हैं सही, नहीं तो निष्कर्ष बिना संदर्भ के निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाते हैं। फिर विशेषज्ञों की आवश्यकता। अब विशेषज्ञों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो आंकड़ों को एकत्रित किया है, जिसने ये देखा है और जो उस बारे में वहाँ पर जानता है, मतलब उसको कम से कम हमें उस स्थिति जिसके हम आंकड़े एकत्रित किए हैं उसकी परिस्थितियाँ, समय और वहाँ परिस्थितियाँ क्या थी वह जानना आवश्यक है, इसलिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। फिर दुरुपयोग का संभव। अब कई आंकड़े जो हम एकत्रित करते हैं या फिर पब्लिश हो जाती हैं, तो इनका दुरुपयोग भी संभव होता है। फिर हम देखेंगे सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी के कार्य क्या हैं। सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है सांख्यिकी के आधार पर, क्योंकि यदि हम एक गांव में जाएंगे तो हम सबसे पहले एक घर में बैठ के उसे बच्चे का पूछेंगे, फिर उसके पिता का पूछेंगे, उसके परिवार में जो सदस्य हैं उनका पूछेंगे, तो उसमें क्या होती है, हमें बहुत जटिलता उसमें आती है। लेकिन हम यदि संख्या के आधार पर कि पूरा हमने पहले ही बना लिया, उसमें बोलेंगे बच्चे की उम्र क्या है, इससे बड़े वाले की उम्र क्या है, तो हमें क्या है, ये जटिलता को और सरल बना देती है। फिर सांख्यिकी के तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सांख्यिकी से ही स्पष्ट है कि हम जो भी तथ्य प्रकट करते हैं वह संख्या के रूप में उसको प्रकट करते हैं। फिर अगला है सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है। सांख्यिकी आधार पर ज्ञान और अनुभव, जो हम वहाँ जाते हैं उसे आंकड़े एकत्रित करते हैं, उससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, वो अपने अनुभव भी उस पर शेयर करते हैं, उसमें वृद्धि होती है। फिर नीति निर्धारण में सहायक। अब नीति निर्धारण में इसलिए सहायक होते हैं क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास पुराने होते हैं, हम उसके आधार पर हम उसमें क्या सुधार करके हम उसको और अच्छे से उसमें विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, तेज़ी से उसको जो गलतियाँ हैं उसको हम सुधार सकते हैं, इस तरह से नीति निर्धारण में भी सहायक होते हैं। फिर तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत। हम किसी भी तथ्य को तुलनात्मक ढंग में प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे कि कई राज्यों में हम अंतर कैसे देखते हैं कि हमारा देश विकासशील है और दूसरा देश जो विकसित है, हम इस तरह से आंकड़ों के आधार पर ही तुलना करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर तथ्यों को के जो आपसी संबंधों को स्थापित करना, जो भी तथ्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं या जो समझा रहे हैं उनमें आपस में क्या संबंध है,
किस तरह से संबंधित है उसको हम स्थापित करते हैं। फिर सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती है सांख्यिकी आधार पर, जैसे कि समाजशास्त्र में भी उसका उपयोग होता है, मनोविज्ञान में भी उसका उपयोग होता है। इस तरह से सांख्यिकी जो है दूसरे विज्ञान के नियमों की भी, समस्याओं की गहनता से अध्ययन, आंकड़ों के आधार पर हम जो समस्या होती है उसकी हम गहनता से अध्ययन भी करते हैं और अनुभव करते हैं कि हमको उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। फिर है पूर्वानुमान लगाना। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास में भी कई बार हम सोच लेंगे कि हमें 80% लाना है, 90% लाना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। उसी तरह से कई बार जब हम पढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं, टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, तिमाही में अच्छे आए हैं, तो हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हम पूर्ण रूप से हम 80 या 90% हम लेकर आ जाएंगे। इस तरह से हम पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है, उस आधार पर हम विकास कर सकते हैं, हम और किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। फिर है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व, मतलब सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। सांख्यिकी के माध्यम से हम आर्थिक सिद्धांतों और मॉडल का भी निर्माण कर लेते हैं, फिर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक समस्या, जिस तरह से हमने बताया कि हमारे कौन कौन सी समस्या है, कौन से क्षेत्र में गरीबी है, कौन से क्षेत्र में हमें बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें जो है हम संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी रोजगार देना, इतने रोजगार उत्पन्न करनी, ये सारी समस्या का हम उससे अध्ययन करते हैं। फिर अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे हमने तो उसमें समझ में आता है कि धन का अध्ययन या धन का विज्ञान, तो इसके अंतर्गत जो है सांख्यिकी जो है उसके अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अध्ययन में सहायक होती है। फिर आर्थिक नियोजन, जब हम आर्थिक नियोजन करते हैं या फिर नियोजना अनुसार कोई कार्य करते हैं विकास करने के लिए, तो उसमें भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है कि हमारे पास कितनी आय है, हमें कितनी व्यय करनी है, उसको नियोजित ढंग से हम कैसे विकास में लगा सकते हैं। फिर है अनुसंधान में सहायक, जब अनुसंधान करते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसमें भी ये आंकड़े सहायक होते हैं, क्योंकि यदि कई जगह व्यक्ति योग्य हैं लेकिन उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा या किसी तरह से, हम प्रायोगिक तौर पर उनको सहयोग करके उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर नीतियों का निर्माण, सांख्यिकी के माध्यम से हम नीतियों का भी निर्माण करते हैं। फिर अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय में अंतर जो तुलना होती है, जिस तरह से हमने बताया विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र जो है क्षेत्र के आधार पर और समय के आधार पर हम तुलना करते हैं। फिर अब गृह कार्य, इसके ये सारे क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में नोट करने हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, फिर दूसरा है समंक किसे कहते हैं, तीसरा है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, चौथा है सांख्यिकी की मुख्य सीमाएं क्या हैं, पांचवा है सांख्यिकी के कार्यों की विवेचना कीजिए, और छठवां है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का क्या महत्व है।